हेलो एवरीवन, आज हम 12th क्लास एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम सॉल्यूशन है उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.36 को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए मोलर वेट 140 ग्राम पर मोल वाज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी मोलर वेट 180 ग्राम पर मोल। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी 500 टोर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 750 टोर। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें लिक्विड ए और लिक्विड बी प्रेजेंट है। तो लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों वेपर बनाएंगे और ये वेपर जो है लिक्विड सरफेस पे प्रेशर जो है वो अप्लाई कर रही है। तो निश्चित तौर पे ये जो वेपर प्रेशर होगा किसका होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है किसके वेपर प्रेशर के इक्वल है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। तो पी ए मतलब ये हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर है लिक्विड ए का और पी बी जो है वो पार्शियल वेपर प्रेशर है लिक्विड बी का और इनका सम जो है वो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहलाएगा। अब पार्शियल वेपर प्रेशर लिक्विड ए ये किसके इक्वल होता है, ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर लिक्विड ए। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी ये इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर लिक्विड बी। तो इसका मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है तो पी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए डॉट चाई ए। तो पी नॉट ए डॉट चाई ए प्लस पी बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी डॉट चाई बी। पी नॉट बी डॉट चाई बी। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दिया है, 750 टोर। तो ये तो 750 टोर हो गया इक्वल टू, हमको क्या करना है, 100 ग्राम लिक्विड ए है मोलर वेट 140 ग्राम है वाज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी मोलर वेट 180 ग्राम पर मोल है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी 500 टोर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। तो प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर जो है हमें चाहिए, तो पी नॉट ए हमको ये चाहिए है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए क्या होगा, ये होगा मोल ऑफ लिक्विड ए अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन और मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ पी। ठीक है, और मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वेट ऑफ ए अपॉन मोलर वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए अपॉन मोलर वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी। क्लियर है, तो चाहिए की जगह हमें क्या लिखना है, वेट ऑफ ए अपॉन मोलर वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए अपॉन मोलर वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी प्लस पी नॉट बी। कितना दिया है, पी नॉट बी जो है वो हमको गिवन है 500 टोर इनटू चाई बी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो चाई बी जो है वो हमारा क्या होगा, वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी, वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ ए अपॉन मोलर वेट ऑफ ए। तो 500 इंटू वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ ए अपॉन मोलर वेट ऑफ ए। ठीक है, तो बस वेट और मोलर वेट तो हमको दिए गए हैं, तो वैल्यू पुट करके हमारा पी नॉट ए जो है वो निकल आएगा 750 इक्वल टू पी नॉट ए हमें निकालना है इनटू डब्ल्यू ए कितना है 100 ग्राम अपॉन मोलर वेट कितना है 140 गिवन है, ये 100 ग्राम है और ये 140 है अपॉन।
100 अपॉन 140 प्लस सेकेंड कितना है लिक्विड जो बी है, मोलर वेट 180 है और 1000 ग्राम दिया है, तो 1000 अपॉन 180 प्लस पी नॉट भी कितना दिया था 500 इंटू डब्ल्यू भी कितना है 1000 अपॉन 180, ये होगा 1000 अपॉन 180 प्लस डब्ल्यू ए 100 अपॉन मोलर वेट कितना है 140। तो बस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पी नॉट ए जो है वो हमारा आ जाएगा 280.5 टॉर। अब टॉर जो है वो प्रेशर की यूनिट होती है, ये किसके इक्वल होती है हमको पता है कि 1 atm मतलब 760 mmHg मतलब 760 टॉर्क, तो 1 atm मतलब 760 टॉर्क के इक्वल होता है। अब बस हमें पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए चाहिए था, तो PA ये हमारा कितना है पी नॉट ए इंटू चाहिए, तो PA इक्वल टू पी नॉट ए तो आ गया 280.5 इंटू चाहिए कितना हो गया, ये तो होगा आपका वेट ऑफ ए अपॉन मोलर वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए अपॉन मोलर वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी, तो पी ए इक्वल टू 280.5 इंटू वेट ऑफ ए कितना दिया है 100 अपॉन 140, 100 अपॉन 140 प्लस 1000 अपॉन 180। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए ये आ जाएगा 32 टॉर। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 2.38, बेंजीन एंड नेफ्थलीन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड नेफ्थलीन एट 300 केल्विन आर 50.71 mmHg एंड 32.06 mmHg रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विद 100 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन। तो बेंजीन का वेट 80 ग्राम है, नेफ्थलीन का 100 ग्राम है, ठीक है ना, और क्या दिया है वेपर प्रेशर जो है वो दिए गए हैं, बेंजीन का वेपर प्रेशर इतना है और नेफ्थलीन का वेपर प्रेशर इतना गिवन है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, ठीक है, तो वेपर स्टेट में हमें जो है वो मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन करने हैं, राइट। तो देखो जरा फिर से हम एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में हमने दो सॉल्यूशन भर दिए, एक बेंजीन है और दूसरा नेफ्थलीन है, दोनों की वेपर बन रही है और ये वेपर जो है इस सॉल्यूशन पे क्या करेगी प्रेशर को अप्लाई करेगी, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इक्वल होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नेफ्थलीन। अब पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, तो पी सॉल्यूशन इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर होता है पी नॉट बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नेफ्थलीन क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट ऑफ नेफ्थलीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नेफ्थलीन, क्लियर। और मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, मोल अपॉन टोटल मोल, तो पी एस इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को क्या लिखोगे, मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ नेफ्थलीन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर नेफ्थलीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नेफ्थलीन को आप लिखोगे मोल ऑफ नेफ्थलीन अपॉन मोल ऑफ नेफ्थलीन प्लस मोल ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला।
इस फॉर्मूले में वैल्यू जो है वो हमें पुट करनी है। और मूल क्या होते हैं, वो होता है वेट अपॉन मोलर वेट। तो वेट तो दिया है, 80 ग्राम बेंजीन है, 100 ग्राम नेफ्थलीन है। अब इनकी मोलर वेट जो है वो हमें चाहिए होंगे। तो मूल क्या होता है, ये होता है वेट अपॉन मोलर वेट का रेशियो होता है। तो मोलर वेट जो है वो हमें डिटरमाइन करने हैं। तो मोलर वेट डिटरमाइन कर लेते हैं, बेंजीन फॉर्मूला होता है C6H6। तो कार्बन 12 इंटू 6 करोगे प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 6 करोगे, टोटल आएगा 78। तो मोलर वेट बेंजीन का 78 हो गया। नेप्थलीन फॉर्मूला होता है C10H8, ये होता है नेप्थलीन। ये फ्यूज्ड बेंजीन की दो रिंग होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन है। और यहां 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 तो 8 हाइड्रोजन हो गए। तो इसका मोलर वेट निकालेंगे, 12 × 10 + 8 × 1, तो ये आएगा आपका 128। तो हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये निकाल लेंगे, पी नॉट बी। बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना दिया है, बेंजीन का वेपर प्रेशर है 50.71 इंटू एन बी कितना है बेंजीन का, बेंजीन का वेट जो है वो 80 है अपॉन 78, 80 अपॉन 78 प्लस 100 अपॉन 128 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ नेप्थलीन प्योर स्टेट में कितना दिया है 32.06 इंटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो 100 अपॉन 28 प्लस 80 अपॉन 78, ठीक है। तो ये चीज जो है वो यहां पे जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हो जाएगा 40.65 mmHg। अब हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन चाहिए वेपर स्टेट में बेंजीन और नेफ्थलीन के। तो देखो अभी जो हमने फॉर्मूला बताया था वो क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीए प्लस पीबी। पीए की जगह हमने क्या रखा था, पी नॉट ए इंटू चाहिए। तो चाहिए जो है वो मूल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन का, प्लस पीबी की जगह हम क्या लिखेंगे, पी नॉट बी इंटू चाहिए। चाय की जो मोल फ्रैक्शन लेंगे वो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन लेंगे, और अब हमें वेपर में मोल फ्रैक्शन बताने हैं, ठीक है। तो वेपर में मोल फ्रैक्शन कैसे बताते हैं, तो चाय बेंजीन ये इक्वल होगा किसके, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन ऑन टोटल वेपर प्रेशर, तो पीबी प्लस पीएन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ये वेपर स्टेट में कर लो, ठीक है। तो पी बी अपॉन ये क्या होगा, ये तो सॉल्यूशन का हो जाएगा, तो चाय बी इक्वल टू पी बी क्या होता है, ये पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये किसका होगा सॉल्यूशन का होगा, अपॉन पीएस। ये तो अभी हम निकाल चुके हैं 40.65, तो हमें ये पता चल जाए, तो बस ये डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो चाई वेपर प्रेशर में बेंजीन का कितना है, पी नॉट बी कितना दिया है, पी नॉट बी 50.71 दिया है। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो ये हम कैसे निकाले थे, ये बेंजीन का वेट अपॉन मोलर वेट अपॉन सॉल्यूशन का मोल, तो सॉल्यूशन में बेंजीन था प्लस नेप्थलीन है, तो नेप्थलीन का वेट कितना है 100 और मोलर वेट 128। तो ये मोल फ्रैक्शन जो है वो किसका हो गया, बेंजीन का। ये चीज तो ये हो गई, और सॉल्यूशन कितना आया था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो 40.65 आया था। तो चाय बेंजीन का जो है वेपर फेज में कितना होगा, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.675। और हमको पता है कि चाय बेंजीन का वेपर फेज में और चाय नेप्थलीन का वेपर फेज में
इसका सम हमेशा कितना होता है, वन होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा वन ही आता है, ये तय है। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 0.675 आया, तो चाई वेपर प्रेशर ऑफ नेफ्थलीन कितना आएगा, 1 में से 0.675 माइनस कर दोगे तो ये आएगा 0.325। तो ये हमारा नेफ्थलीन के मोल फ्रैक्शन हो गए वेपर फेज में। इसका क्वेश्चन नंबर 2.39 है, द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, द मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विद एप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ 20% इज टू 79% बाय वॉल्यूम एट 298 केल्विन। द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट अ प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर एट 298 केल्विन। इफ द हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट 298 केल्विन आर 3.30 × 10⁻⁷ mm and 6.51 × 10⁷ mm respectively. Calculate composition of these gases in water. तो इन गैस का कॉम्पोजिशन वाटर में हमें कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा हेनरी लॉ होता है वो क्या कहलाता है, हेनरी लॉ कहलाता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस प्रोपोर्शनल साइन हटाओ तो इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं इनटू मोल फ्रैक्शन। तो हमें मोल फ्रैक्शन जो है वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के निकालने हैं, इसके लिए हमें पार्शियल वेपर प्रेशर उनके चाहिए होंगे। तो हमें एयर का वेपर प्रेशर तो दिया है 10 दिया है, तो हम निकालेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा। एयर का वेपर प्रेशर 10 है और नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, 79% है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, वेपर प्रेशर तो 10 है लेकिन ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 20 है, तो 20/100 हो जाएगा, तो ये आएगा 7.9 और ये आएगा 2 एटमॉस्फेयर और ये 7.98 है। अब हमको पता है कि 1 atm मतलब होता है 760 mm Hg, राइट। तो अब हमें मोल फ्रैक्शन जो है वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बताने हैं, तो देखो बता सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन जो है वो अगर हमें नाइट्रोजन का बताना है तो क्या लेना पड़ेगा, हमें पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन KH। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कितना आया, तो नाइट्रोजन कहां है, ये है 7.9 × 760, क्योंकि हमें एटीएम को किसमें कन्वर्ट करना है, एमएमएचजी में कन्वर्ट करना है, अपॉन केएच कितना दिया है, केएच जो है वो 3.30 × 10⁻⁷ mm दिया है ऑक्सीजन का और 6.51 × 10⁻⁷ mm दिया है नाइट्रोजन का। तो 6.51 × 10⁷ mm, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 9.22 × 10⁻¹। इसी प्रकार मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन KH। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, 2 × 760 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये mm में कन्वर्ट हो जाएगा, अपॉन KH कितना है, 3.30 × 10⁷। तो ये आएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन 4.6 × 10⁻¹। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.40 है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, आई जो है इसके लिए 2.47 दिया है, डिसॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमें अमाउंट जो है वो कैल्शियम क्लोराइड का बताना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है CRT। अब सी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या कहलाता है, मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर में, तो पाई इक्वल टू हो जाएगा मोल अपॉन वॉल्यूम RT। अब मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मोलर वेट, तो पाई इक्वल टू हो जाएगा वेट अपॉन मोलर वेट इनटू RT अपॉन
वी। तो ये फॉर्मूला तो हमारा बनेगा नॉन आयोनिक सॉल्यूट के लिए। ये जो फॉर्मूला है किसके लिए होता है, ये नॉन आयोनिक सॉल्यूट। अगर आयोनिक सॉल्यूट है तो पाई इक्वल टू हो जाएगा आई सी आर टी। ये फॉर्मूला होगा आयोनिक सॉल्यूट के लिए, ठीक है ना। तो आयोनिक सॉल्यूट के लिए हमें आई जो है और ऐड करना है, तो पाई इक्वल टू हो जाएगा आई वेट अपॉन मोलर वेट इनटू आर टी अपॉन वी, राइट। तो बस वैल्यू पुट कर लेते हैं फटाफट से। तो पाई कितना है 0.75 इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी दी गई है 2.47 इनटू वेट निकालना है, मोलर वेट निकालो भैया कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम 40 होता है, क्लोरीन 35.5 इंटू 2 करोगे तो ये आएगा 111। तो 111 मोलर वेट हो गया इंटू आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस 273 ऐड कर दोगे तो ये 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 300 हो गया अपॉन वॉल्यूम कितना है 2.5 लीटर है। तो बस वेट जो है आपका आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे 3.42 ग्राम। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2.41 है, डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस अज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो देखो जरा, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई, ये इक्वल होता है सी आर टी। जब आपका नॉन आयनिक सॉल्यूट हो और पाई इक्वल टू होता है आई सी आर टी जब आपका आयनिक सॉल्यूट हो, तो पोटेशियम सल्फेट जो है वो आपका आयनिक सॉल्यूट है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, ठीक है। तो I की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, तो देखो जरा K2SO4, तो ये आयनाइज होगा पोटेशियम आयन, ये दो बनेंगे और SO4 माइनस टू, तो दो आयन पोटेशियम के एक आयन सल्फेट का, तो I की वैल्यू जो है यहां पे होगी 3। तो बस हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है डिटरमाइन करना है, I कितना है 3 है। तो कॉन्सेंट्रेशन C इक्वल टू होता है एन अपॉन वी, सी इक्वल टू मोल कौन से लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलर वेट इंटू वॉल्यूम। तो बस सी की जगह हमें ये लिखना है वेट मोलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू आर टी, ये है ही है। तो बस पाई निकल आएगा 3 इंटू वेट कितना है 25 मिलीग्राम है, तो 25 अपॉन 1000 करेंगे तो ये ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। मोलर वेट पोटेशियम सल्फेट का निकाल लोगे भाई, पोटेशियम 39 इंटू 2 करोगे प्लस सल्फर 32 होता है प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4 करोगे तो ये आएगा 174, ठीक है ना। तो मोलर वेट आया 174 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम 2 लीटर दिया है तो 2 इंटू आर कितना है 0.0821, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर हमको 25 डिग्री सेल्सियस दिया है तो इसको केल्विन में करना है, तो 25 प्लस 273 करोगे तो ये केल्विन में हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो पाई जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 5.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एटमॉस्फेयर। तो बस ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2.36 से 2.41 हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर उसको शेयर करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।